रिच डैड और रिच मॉम। जब मैं 8 साल की थी तब मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे, सो आई थिंक मुझे डैड ही पिक करना चाहिए, और वैसे भी हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो आई चूज रिच डैड। मुझे पता है ये वही होंगे। डैड, मैंने सोचा था आप थोड़ा महंगा और ढंग का ड्रेस पहन कर आएंगे। क्या कह रही हो, मैं ऐसे कपड़े पहन कर आयु क्योंकि मैं एक पोस्टमैन हूँ, तुम्हारा डैड नहीं। ये लो तुम्हारा एनवेलोप, गंदी बच्ची। I'm sorry. हाँ, क्या होगा इस एनवेलोप में? Oh my God. Mom? Yes. मैंने आपके लिए एक रिच हस्बैंड ढूंढ लिया है। क्या क्या तुम मुझे डेट पर भेजने वाली हो? नो मॉम, मैंने रिच डैड पिक किया है, अब हमारी पूरी लाइफ एकदम सेट होने वाली है। आप ही एनवेलोप चेक करो। हाँ, इसमें तो 50,000 रुपए हैं। यस मॉम, वो कितने अच्छे हैं ना मॉम, और मुझे फिर से एक डैड मिल जाएंगे। इस एनवेलोप से तो ये पता चलता है बेटा कि वो एक अरबपति है, लेकिन वो हमसे मिलने कभी नहीं आएंगे। मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि ये डैड ही होंगे। डैड, हम यहाँ बिलीनियर की बेटी को ढूंढ रहे हैं। हाय, हम यहाँ बिलीनियर की बेटी को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग ना गलत घर में घुस गए हैं। मॉम मॉम, आप कहाँ गए? हाँ नोट, मैं तुम्हारे नए पापा के दिए हुए पैसों को डिपॉजिट करने के लिए जा रही हूँ। सीरियसली मॉम, कितनी जल्दी आपको पैसे जमा करने की? क्या करूँ, मुझे जल्दी से मॉम को कॉल करके सब बताना होगा। एक मिनट रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करो, फोन को नीचे रख दो। तुम लोग घर में कैसे घुस गए? तुमने अपना बैक डोर ओपन छोड़ दिया था, वहीं से घुस गए। देखो तुम सब लोग जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, तुम्हें पता नहीं है मैं कराटे और जूडो की चैंपियन हूँ। एक हाथ मारूंगे ना तो तुम यहीं पसर जाओगे, समझे? और बिल्कुल भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सीधे खड़े रहो चुपचाप। मैडम, ये पेपर फोल्ड करने जितना आसान नहीं है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग ये लेटर देख लोगे। चाय पानी पियोगे तुम लोग? रिलैक्स, हम तुम्हारे बॉडीगार्ड है, तुम्हारे डैड ने हमें यहाँ भेजा है। अगर तुम्हें मेरे डैड ने भेजा है तो तुम लोग मुझे बंदूक दिखाकर क्या साबित कर रहे थे? मैंने तुम्हें कहा था ना बंदूक नीचे कर लो। एंड सॉरी, ये वाला बॉडीगार्ड ना न्यू है, आपके डैड चाहते थे हम आपको ये दे, और ये भी, आपके डैड आपको जल्दी कॉल करेंगे। डैड का कॉल? हाय डैड। हाय डैड। हाय बेटा, ये तो बहुत अच्छा है कि फाइनली हम एक दूसरे को देख सकते हैं। गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।